कोरिया जिला विभाजन होने के बाद नया जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नए जिले की घोषणा होने के बाद चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के लिए जहां एक तरफ चिरमिरी से लेकर रायपुर राजधानी तक 34 लोगों का दल पदयात्रा करते हुए करीब 350 किलोमीटर मुख्यमंत्री से मुलाकात की, वहीं दूसरी ओर चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाने के लिए क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। आपको बता दें चिरमिरी जहां अपने अस्तित्व भविष्य की तलाश कर रहा है, ऐसे में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नया जिला घोषणा के बाद जिला मुख्यालय को लेकर चिरमिरी में क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। ये चिरमिरी के अस्तित्व के लिए जो लड़ाई है, चिरमिरी को एमसीबी जिला का मुख्यालय बनाने के लिए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चिरमिरी की नागरिक प्रयास कर रही है, हम लोग एक चिरमिरी के नागरिक मंच के प्रतीक के रूप में पदयात्रा भी की और आज उन्हीं के प्रतीक के रूप में हम लोग धरना पे भी बैठे हैं। आज सोमा दिन है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर तो जरूर पड़ रहा है, लेकिन हमारी मुहिम और तेज हो, सरकार का ध्यान आकर्षण और ज़्यादा हो, इसलिए हम लोग इसको आज बृहद रूप से सोमा दिन मना रहे हैं। और अनवरत ये जब तक जिला मुख्यालय नहीं बनेगा तब तक हमारा ये मुख्यालय धरना जो है हमारा चालू रहेगा। भूख हड़ताल का चिरमिरी मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का सोमवा दिन है और सोमवें दिन में समिति ने, इसके पहले भी अन्य कार्यक्रम जैसे पदयात्रा समिति के माध्यम से हुआ, 350 किलोमीटर सभी पैदल चलकर गए चिरमिरी के अस्तित्व और स्थायित्व के लिए। और सोमवें दिन में आज समिति ने एक लक्ष्य रखा था कि चिरमिरी के सभी वरिष्ठ, सभी युवा साथी, माताएं बहनें, सभी व्यापारी संघ, यूनियन के साथी, सभी राजनीतिक दल, सभी जैसा कि शुरू से ही पत्रकार बंधु भी सहयोग कर रहे हैं समिति को, आज लक्ष्य रखे थे कि 100 लोग इस भूख हड़ताल में बैठेंगे। और आज सभी चिरमिरी वासियों ने, माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने, व्यापारी संघ, यूनियन, सभी राजनीतिक दल के सभी सदस्य आज हम इस भूख हड़ताल में 100वें दिन 100 लोग बैठे हैं। श्रमिक भूख हड़ताल के 100 दिन पूरा होने पर 100 लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठे छत्तीसगढ़ सरकार से चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के लिए गुहार लगा रही है। वहीं देखने वाली बात होगी कि चिरमिरी जिला बनाओ संघर्ष समिति की पदयात्रा क्रमिक भूख हड़ताल कितना रंग लाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कोरिया छत्तीसगढ़, कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।